हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या अगर हम डीसी फैन को मोबाइल चार्जर की सहायता से चलाना चाहेंगे तो चलेगा कि नहीं। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास मोबाइल चार्जर है जो कि 5 वोल्ट का है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हमने डाटा केबल को यहाँ कट किया हुआ है, और यहाँ हमें प्लस का टर्मिनल यह रेड वाला मिल जाता है, और ब्लैक का यह टर्मिनल जो है कि हमें माइनस के लिए मिल जाता है। तो यहाँ प्लस माइनस हमें मिल चुका है, और यह जो ग्रीन और येलो है तो ये डाटा ट्रांसफ़र के लिए केबल है, तो हमें प्लस माइनस की ज़रूरत है। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा यह जो है कि डीसी फैन जो कि 12 वोल्ट से चलने वाला है आ चुका है। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ कि यहाँ इतना सारा इसमें तार लपेटा गया है और इसमें चिमटी लगाई गई है जो कि 12 वोल्ट से चलता है। तो अब हम इसको जो है कि मोबाइल चार्जर को ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रीन लाइट आ चुका है, और उसके बाद जो है कि हम इस वायर में जोड़ेंगे। तो हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, नहीं तो पंखा अगर चलेगा तो उल्टा चलेगा। इस मोटर डीसी मोटर में यही होता है कि प्लस माइनस अगर उल्टा होगा तो पंखा उल्टा चलता है। तो यहाँ जो है कि मैं आपको पास से दिखा देता हूँ कि यहाँ मैं जो है कि यहाँ तार को जोड़ रहा हूँ, और यहाँ हमारा माइनस का तार जो है कि जुड़ चुका है। और जोड़ने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ जब भी हम प्लस का तार जोड़ रहे हैं तो यहाँ क्या पंखा चलेगा या नहीं चलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें करंट जाने की वजह से थोड़ा सा इसमें मतलब ये चल तो नहीं पा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फील्ड बन रहा है डीसी का करंट का, तो थोड़ा सा हल्का सा इसमें झटका लग रहा है, लेकिन उससे यह पंखा चल नहीं पा रहा है। तो यह 5 वोल्ट का डीसी चार्जर है फिर भी नहीं चल पा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ झटका लग रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है। और जब हम चार्जर को डीसी फैन से जोड़ रहे हैं तो चार्जर के साथ क्या हो रहा है, आइए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यह जो ग्रीन लाइट है तो उसमें आप देख सकते हैं यह जो ग्रीन लाइट है ये कंटिन्यू जल रही है, और जब हम चार्जर के साथ जोड़ रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट बीप कर रही है। जब भी हम इसमें जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ ग्रीन लाइट एकदम बंद हो जा रही है, क्योंकि इसका जो सारा करंट जनरेट हो रहा है वो पंखा जो है कि डिस्चार्ज कर दे रहा है, यानी इसके आवेश को डाउन कर दे रहा है, और इसमें लाइट भी जलना बंद हो जा रही है। तो इतना लोड हो रहा है मतलब पंखे का 12 वोल्ट के, यह मोबाइल चार्जर नहीं चल पाया है। तो अगर आप ऐसा कुछ करने के लिए सोच रहे थे तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि 12 वोल्ट का पंखा 5 वोल्ट के मोबाइल चार्जर से नहीं चल सकता। अगर यहीं 6 वोल्ट की बैटरी होती तो यह अपना 50% स्पीड दे के वहाँ चल सकता था। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने मोबाइल चार्जर की सहायता से 12 वोल्ट के पंखे को चेक किया है कि किस तरीके से क्या अगर हम मोबाइल चार्जर में पंखा लगाएंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अगर आप यह हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।